जहाँ मौजूद हो स्वयं भगवान शिव की कृपा, वहाँ कुछ भी असंभव नहीं। उनके होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं जो हो नहीं सकता। जहाँ भगवान शिव का वास हो, वहाँ कोई भी विपदा, कोई भी परेशानी ज्यादा देर नहीं रह सकती। तो क्या हुआ जब भगवान शिव के मंदिर से निकले दो इच्छाधारी नाग, जिन्होंने बुझा दी वहाँ पर दंगों की आग? पूरी बात जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गांव में कई अलग अलग समुदाय सालों से साथ में बहुत प्यार से रहते थे। यहाँ हर धर्म, हर समुदाय के लोग भगवान शिव के परम उपासक थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। जब भी भगवान शिव से जुड़ी कोई त्योहार मनाया जाता था, तो सब समुदाय के लोग साथ मिलकर उसे मनाया करते। ये इलाका धार्मिक सौहार्द का प्रतीक समझा जाता था। पर वहाँ अमित और दामोदर नाम के दो ठग दोस्त आए। वो लोग वैसे तो धार्मिक नहीं थे, लेकिन वो जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों को आपस में लड़वा कर लोगों से पैसा लूट लेते। ऐसा करते करते वो लोग इस गांव पहुँचे। यहाँ आकर दोनों दोस्तों ने देखा कि यहाँ के लोग बहुत धार्मिक है, और जब तक भगवान शिव पर इनकी आस्था मजबूत है, तब तक इन लोगों को आपस में लड़वाना या इन्हें ठगना मुश्किल है। तब दोनों ने एक योजना बनाई। दोनों ने अलग अलग समुदाय को आपस में लड़ने की कोशिश की। उन्होंने एक दूसरे के बारे में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और भाड़े के लोगों को बुलाकर अलग अलग समुदाय के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे सब एक दूसरे पर शक करने लग गए। धीरे धीरे उनकी ये कोशिश रंग लाने लगी। दोनों ठगों ने फर्जी फोटो और वीडियो भेजकर ये साबित करने की कोशिश की एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय पर जुल्म ढा रहे हैं और उनके धर्म का अपमान कर रहे हैं। देखते ही देखते उनके वीडियो वायरल हो गए। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। चोरी छुपे हथियारों का इंतजाम होने लगा। पास के इलाकों में दंगे छिड़ गए। बहुत से लोग फंसे पड़े थे, उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाना था और लड़ाई रोकनी थी। मारने वाले बहुत थे, पर बचाने वाले शायद ही कोई। एक शिव भक्त भगवान के पास गया और उसने विनती की कि हे प्रभु, आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? अगर भगवान तुम्हारे होते हुए भी अनर्थ हो गया, तो लोगों का महादेव से विश्वास उठ जाएगा। भक्त बाहर गया और लोगों को बचाने लगा। अमित और दामोदर इंतजार कर रहे थे कि कब हिंसा भड़कती है, और देखते ही देखते वो समय भी आया जब तनाव इतना बढ़ गया कि हिंसा शुरू हो गई। जिस गांव में लोग भगवान शिव की पूजा साथ मिलकर किया करते थे, वहाँ हालत ये थी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी हिंसा के दौरान हुआ कुछ ऐसा कि सबके होश उड़ गए। एक भक्त ने भगवान शिव के हाथों में मौजूद त्रिशूल निकालने की कोशिश की, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो उस त्रिशूल को उठा नहीं पाए। तभी शिव जी के गले में मौजूद नाग में हरकत होने लगी। नाग फुफारता हुआ उनकी ओर लपका और भक्त अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने अपने साथियों को बचाव के लिए बुलाया और उनको साथियों को इस बारे में भी बताया। तब उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। तब सब भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश कर गए। यहाँ उन्हें नाग नहीं मिला, पर उसकी जगह एक विशालकाय आदमी नजर आए। उनको देखते ही व्यक्ति बोला कि तुम सब खुद को भगवान का भक्त बोलते हो और उन्हीं का अपमान करते हो, तुम सब दंड के अधिकारी हो। ये कहकर व्यक्ति बाहर निकल गए। उसके कदमों की आवाज से सब थर्राने लगे। सब बाहर की ओर भागे। इस व्यक्ति की कद काठी देखकर सबके पांव ठिठक गए। व्यक्ति भगवान शिव की मूर्ति की ओर गया, उसने उसको हाथ जोड़े और सहज ही उनका त्रिशूल उठा लिया। उस त्रिशूल के सामने आने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। त्रिशूल लेकर आदमी अलग अलग जगह पर गया और जहां वो गया वहां दंगे करने वाले लोग रुक गए। आदमी सीधा दोनों ठगों के घर पहुंचा और उन्हें धमकाते हुए बोला, मैं जानता हूं कि ये तुम्हारा ही किया धरा है, चुपचाप मेरे साथ आकर सबको सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो वे तैयार नहीं हुए, पर जब व्यक्ति ने अपना त्रिशूल उन पर चलाया तो एक वार में दोनों पस्त हो गए। आदमी उन्हें पकड़कर गांव के बीच में ले आया। फिर उसने त्रिशूल पर डगा डमरू उठाया और इतनी जोर से बजाया कि उसके शोर से पूरा गांव गूंज उठा। जो जहां था वो वहीं ठहर गया और व्यक्ति के पास चले आया। दोनों ठगों ने पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानी। गांव वालों ने उसे पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। सबने व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है, क्या वो भगवान शिव है या उनका अवतार है। तब व्यक्ति ने बताया कि भगवान शिव का बस एक सेवक, जब भी भक्त भगवान को बुलाता है तो भगवान किसी न किसी तरह उनकी मदद के लिए आता है, आज ये अवसर मुझे मिला। ये कहकर वो भगवान शिव के मंदिर गया और जोर से बम बम बोले का नारा लगाया और शिव जी के त्रिशूल को वापस उनके पास रखाया। फिर सबके देखते ही देखते व्यक्ति वापस नाग में बदल गया और भगवान शिव के गले से जाकर लिपट गया। इच्छाधारी नाग के इस चमत्कार को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबके हाथों के हथियार छूट गए और जो भी जिस भी समुदाय का था उसने इस चमत्कार के सामने अपने माथा टेक दिया। फिर सबने मिलकर जय भोलेनाथ का उद्घोष किया
और भगवान शिव की उपासना की। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भगवान शिव के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही बातों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बम बम भोले।